मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मशकूर अली और आप देख रहे हैं हिंदी टेक्निक्स। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज नेशनल स्कॉलरशिप मोबाइल नंबर लॉस्ट के बारे में। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें मोबाइल खो जाने का मैंने तरीका बताया है, किस तरह से हम उसको रिकवर करेंगे, उसको चेंज करेंगे मोबाइल को। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा उसकी डिमांड है। मेरे पास हज़ारों लोगों की कमेंट्स आ चुकी हैं कि प्लीज़ हमारा रिन्यू का फॉर्म है, हमें रिन्यूअल कराना है और हमारा मोबाइल नंबर लास्ट ईयर कौन सा था वो हमको नहीं पता है, मोबाइल खो गया है, सिम टूट गया है। अरे, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की वो मेरे कमेंट्स में आई हैं और उसी का सलूशन आज मैं लेकर आया हूँ कि रिन्यूअल फॉर्म में किस तरह से हम मोबाइल नंबर को चेंज करेंगे जो हमने लास्ट ईयर नंबर लगाया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है, अगर मोबाइल नंबर आपको पता है और जो पिछले साल की जो आपकी स्लिप है स्कॉलरशिप की वो आपके पास होनी चाहिए, उसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो चाहिए होंगी हमें मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसमें मोबाइल कौन सा लगा हुआ था, तो जिसमें कि ये हम पुराना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ही इसको अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल अभी आज ही लॉन्च हुआ है, आज ही वेबसाइट पर जो है अपडेटिंग हुई है और ये फंक्शन आया है। पहले ये फंक्शन नहीं था, इसीलिए मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई थी और ना ही मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे सकता था। लेकिन आज दोस्तों, इसका सोल्यूशन आ चुका है तो मैं आपको बताऊँगा रिन्यूअल फॉर्म में जो लास्ट ईयर के फॉर्म हैं उन फॉर्म में किस तरह से हम अपने मोबाइल नंबर को चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट इसकी scholarship.gov.in है और यहाँ से ये सारी वेबसाइट के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। सेशन 2018-19 को ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर चार ऑप्शन आए हुए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, अप्लाई फॉर रिन्यूअल। सबको पता है दोस्तों, जो जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सबको पता ही है कि यहाँ से क्या क्या फंक्शन होते हैं और मेरी हर टॉपिक पर एक वीडियो बनी हुई है। किसी को भी इन चारों टॉपिक्स में या कहीं भी कोई भी परेशानी आती है, आईडी रिकवर कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे रिकवर करते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, लॉगिन कैसे होता है, रिन्यूअल कैसे होता है, सारी मेरी वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको रिन्यूअल पर। रिन्यूअल पर हम दोस्तों आ चुके हैं। यहाँ पर पिछले साल की यानी लास्ट ईयर की जो आईडी है वो एंटर होती है, ये देखिए 2017-18 यानी लास्ट ईयर की है। अभी जो आईडी है वो 2018-19 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम पिछले साल की आईडी एंटर करते हैं और पासवर्ड एंटर करते हैं, लेकिन पासवर्ड से आईडी लॉगिन नहीं हो पाती है क्योंकि पासवर्ड हमारा कुछ और था और हम भूल चुके हैं। पासवर्ड को रिकवर करने के लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है और मोबाइल नंबर आपका खो चुका है। तो फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर को किस तरह से हम चेंज करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखिए तीन फंक्शन दिए हुए हैं दोस्तों। आज से पहले ये सिर्फ फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी और रिकवर पासवर्ड दो ही ऑप्शन आया करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने देखते हुए कि बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप रह रही है, इसको देखते हुए वेबसाइट पे जो है अपडेट किया है और यहाँ थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए लाए हैं, अपडेट मोबाइल नंबर। तो इसमें दोस्तों इसकी कुछ शर्तें हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना मोबाइल नंबर चेंज करके और उसके किसी और के फॉर्म में अपडेटिंग कर लें, इसीलिए ये सिक्योरिटी पर्पज़ से इसमें कुछ डिटेल्स पूछी गई हैं जो आपको सही सही एंटर करनी होंगी लास्ट ईयर की। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ, अपडेट मोबाइल नंबर। ये देखिए फ्रेंड्स, एक नया टैब है, एक नया विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ लिखा हुआ है अपडेट एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, जो लास्ट ईयर हमने मोबाइल लगाया था वो आपका खो चुका है, तो आप उसको अपडेट करने के लिए क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ पहले ऑप्शन से। यहाँ पर एप्लीकेंट की आईडी जो 2017 से होगी या 2016 से होगी, अगर सेकंड लास्ट ईयर से है उसका तो 2016 से होगी आईडी और लास्ट ईयर से है तो उसका 2017 से आईडी होगी। एप्लीकेंट का पूरा नाम डालिएगा जो लास्ट ईयर आपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में नाम एंटर कराया था। उसके बाद मदर नेम वही डालना है जो पिछले साल आपने उसमें डाला था स्कॉलरशिप के फॉर्म में, और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद ओल्ड मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोबाइल नंबर जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मोबाइल नंबर हमने लगाया था। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है कौन सा लगाया था तो आप रिकवर नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत बुरी खबर है। इसके लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता और इसके लिए मेरे पास कोई अपडेट भी नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर वही जो लास्ट ईयर लगाया था, और IFSC कोड उसका बैंक का, और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो अभी मेरे पास कोई फॉर्म नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखा देता। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा दोस्तों, जब ये सारी डिटेल्स आप भर लेंगे, बिल्कुल लास्ट ईयर की जो डिटेल है वो भरनी है और कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर आपने आधार कार्ड में चेंज करा लिया है तो आपको वही एंटर करना है जो आपका लास्ट ईयर फॉर्म में भरा गया था, आधार कार्ड से आपका कोई मतलब नहीं होगा।
तो दोस्तों जब कैप्चा कोड एंटर, सारी डिटेल भरने के बाद कैप्चा कोड एंटर करके यहाँ वेरीफाइड एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है जो पुराना नंबर है आपका, वो पुराना नंबर जो है यहाँ वहाँ से हट के नए नंबर एंटर करने की एक कॉलम खुल जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास फॉर्म नहीं है वरना मैं करके दिखा देता। तो वहाँ पर आपको नया नंबर एंटर करना होगा, नए नंबर पर OTP आएगा और ऑटोमेटिकली आपके रिन्यूअल फॉर्म पे वो मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी को कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता हूँ 24 आवर। कभी कभी कमेंट्स का जवाब देने में मैं लेट हो जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा। दोस्तों अगर कुछ घंटे लेट हो जाता है तो प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा फ्रेंड्स। तो ठीक है दोस्तों, सब कुछ समझ में आ गया, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में ना आई हो। वेरीफाइड एंड कंटिन्यू करने के बाद बस आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और ओके करके OTP उसमें वेरीफाई कर देना है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन का बटन है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो नए वीडियोस आएंगे या NSP नेशनल स्कॉलरशिप पे कोई भी अपडेट आएगा, तो वो मोबाइल नंबर, वो कोई भी अपडेट आएगा तो वो मैं आपको बता सकूं दोस्तों। तो ये बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।